रही हूँ दाल मखनी। इसके लिए मैंने अपने ये जो काली मसूरी होती है साबुत, इसको ये मेरी 200 ग्राम थी और आधी कटोरी राजमा, इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब सबसे पहले हम इसको बॉयल करना रखेंगे कुकर में। अब इसको हम लगभग 2.5 गिलास पानी डालकर उबलना रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक और इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने के लिए। कुकर में 5 सीटी आ चुकी है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसको खोल के देखते हैं। देखिए दाल हमारी ये उबल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है थोड़ी। अब हम करते हैं इसके अंदर तड़के की तैयारी। अब दाल में तड़का लगाने के लिए लिया है मैंने 4 लौंग, 2 काली मिर्च, 3 तेज पत्ता, 3 प्याज, ये टमाटर 4 छोटे साइज के हैं तो 3 भी ले सकते हैं, अगर मीडियम साइज के हैं तो, हींग, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर है और हमें चाहिए ये ऑयल। मैंने अपने प्याजों को पीस लिया है मिक्सी में, टमाटर को पीस लिया है, हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और ये लहसुन और अदरक है इसको हम ग्रेट करेंगे, पीसेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेट करने से इनका फ्लेवर अच्छा आता है। अपनी लहसुन को भी हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे। पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब इसके अंदर डालेंगे लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता। अब थोड़ी सी हींग, हींग जरूर डालें इसके अंदर आप, आधी चम्मच जीरा। अब इनको हल्का सा ब्राउन करें जीरे को। अब इसमें डालेंगे हम हमारे ये प्याज। अब इसके बाद डालेंगे हमारे जो ये हमने लहसुन और अदरक को ग्रेट किया था वो। अब हमारा जो ये प्याज का पेस्ट है इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भुनेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हमारे ये जो टमाटर का पेस्ट था। अब इनको हमने लगभग 1 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ये जब तक टमाटर ये ऑयल को अलग नहीं करने लगते। देखिए ये टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालते हैं हमारी ये कटी हुई हरी मिर्च। अब डालेंगे 1/4 स्पून हल्दी। हल्दी इसमें कम डालें, 1/4 ही डालें, क्योंकि हल्दी से फिर वो येलो कलर ले लेगी नहीं तो ये। और आधी चम्मच लाल मिर्च और नमक हम डालेंगे इसमें अब आधी चम्मच, क्योंकि हमने 1 चम्मच नमक उसमें डाला था पहले उबलते हुए, तो अब आधी चम्मच डालेंगे या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे हम आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करें। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं अपना गरम मसाला आधी चम्मच। अब इसमें हम इसको मिला के गरम मसाले को इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी डालना है बस आपने। अब इनको अच्छे से मिक्स करें। अब देखिए मसाले को ऐसे 10 से 20 सेकंड तक ऐसे पकने दें पानी में। अब मसाला अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी ये दाल मखनी मसाले के अंदर। अब दाल को अच्छे से मसाले में मिक्स करें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर, ये ऑप्शनल है, मैं डालती हूँ क्योंकि मसूरी की दाल थोड़ी सी हैवी होती है, इसलिए ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर फिर से हम ऐड करेंगे हमारा 1 गिलास के करीब पानी, क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी। अब आप चाहें तो इसको 2 व्हिसल लगा लें, नहीं तो इसको आप मीडियम गैस पर 15 से 20 मिनट तक ढककर अच्छे से घुटने दें, क्योंकि घुटी हुई दाल अच्छी लगती है ना ये दाल मखनी, तो आप 2 व्हिसल भी लगा सकते हैं इसको या ढककर
15 से 20 मिनट तक पकने के लिए भी छोड़ सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं हमारी दाल को पकते हुए, एक बार हम चेक करते हैं इसको। आप बीच में इसको चेक भी करते रहें। देखिए हमारी दाल का टेक्सचर ऐसा हो गया है, हमें इसका बिल्कुल अच्छे से इसको घोटना है। घुटी हुई दाल अच्छी होती है। इसको आप बीच में एक बार देखो ऐसे चमचे से ऐसे हल्का हल्का मैश कर दे दाल को थोड़ा थोड़ा, इससे ये बहुत अच्छा टेक्सचर ले रही है। बीच में बिल्कुल तो दाल हमारी हल्की हल्की ऐसे थोड़ी बहुत दाल को ऐसे चलाते हुए मैश कर दें। जब तक ये हमारी जो है साबुत उड़द अच्छे से मैश नहीं हो जाती है, मैश लाइक नहीं हो जाती, तब तक इस दाल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अब सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए और हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर ले चुकी है और हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब इसको गर्मा गर्म करो से मक्खन इस पर जरूर डालें, क्योंकि इसका नाम ही दाल मखनी है। मक्खन या क्रीम भी डाल सकते हैं इस पर आप।